Sayyeda Amina Shamsunisa, state 5th rank, 625 out of 621. Firstly, I would like to thank Allah Subhanahu Wa Ta'ala for the success, and then I'd like to thank my parents for giving best education in the best school, then the management, President Ilyas sir and the director, and the main is the teachers who had supported a lot. They used to help us at any time. And Khan sir, he used to give very easy methods, and Tamanna ma'am, they used to always help us. And in school, they used to give guest lectures and give motivations always, and all the teachers and the staff. My next plan is to give NEET exam and MBBS, and next I would like to crack UPSC exam, and my aim is to become IAS officer. I used to get up early in Fajr. I used to get up and I used to start reading, and I used to study at night after going home. I hope that they'll get more than me. I'll pray that they should get 625 out of 625. I always pray that. I hope let they get out and break all the records and get first rank, first state rank. All the teacher, parents, mother, father, and school management, they are very, they are the main reason because due to my success. मेरा नाम सैयद महबूब बाशा खादरी. मेरा नेटिव गंवार शरीफ तालुका जेवरगी डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा. मैं रहने का यहाँ मदीना कॉलोनी में नियर हुसैनी स्कूल के बाजू है, हुसैनी गार्डन स्कूल के बाजू है. लेकिन अब मेरी बेटी का जो हार्ड वर्क जो है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते ही पढ़ते हुए 8 बजे तक पढ़ कर उसके बाद टिफ़िन करके टिफ़िन बन के स्कूल का कर स्कूल से जैसा 5 o'clock घर पर आते लाइट नाश्ता करके फिर पढ़ते रात के 11:30 बजे तक पढ़ते थे. किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन टोटल 10 साल में एक भी एब्सेंट नहीं मिलेंगे आपको स्कूल में. सुबह 5 बजे यहाँ से आने के बाद 6 बजे पढ़ते बैठे तो रात के 11:30 बजे तक पढ़ते बैठते थे. सुबह फजर में उठे तो नमाज़ पढ़ते ही फिर स्कूल के टाइम तक बुक से बुक उन्हों चुनो. घर में एक काम नहीं करते थे, पहले पढ़ना है ये करना है. उनको अच्छे से अच्छा सपोर्ट टीचर्स, तमन्ना मैम, खान सर, सारे टीचर्स फुल सपोर्ट करे हैं. बहुत अच्छा दिल लगा कर पढ़ाते हैं उन्हों, उसमें कोई शक नहीं है, सुबह नहीं है. मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरे को पूछे तो पढ़ाई सेकेंडरी, पहले डिसिप्लिन आ गया तो एजुकेशन भी आ जाता. मेन में खान सर को वही बोलता था हर वक्त आते ही, बच्चों को पहले डिसिप्लिन सिखाइए उसके बाद पढ़ाइए, क्योंकि छोटे बड़ों का तमीज़ आए तो पढ़ाई काम आती है, नहीं तो पढ़ाई कितना भी पढ़ के काम नहीं आती. पूरे स्टेट को जो 5th रैंक आए हैं और माइनॉरिटी में 1st रैंक हैं पूरे स्टेट को. और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आगे चलकर नीट में पूरे इंडिया को 1st रैंक आना है. मैं बेटी को यही बोलता हूँ कि भाई पूरे इंडिया को 1st रैंक आए. माय सेल्फ तहसीन सकीना, द डायरेक्टर एजुकेशन फॉर हुसैन पब्लिक स्कूल. फॉर द पास्ट 7 ईयर्स आई एम हियर, एंड माई स्पेशलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल्स. आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिस स्कूल इज़ अंडर माई गाइडेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन एंड ऑल. हियर वी फोकस नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई शुड से शी इज़ द फर्स्ट वन टू गेट द स्टेट रैंक. एंड मेथोडोलॉजी वॉट वी फॉलो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर ऑलवेज टीचर्स ट्रेनिंग्स आर देर. आई एम ए मास्टर ट्रेनर फॉर टीचर्स. सो हियर वी गाइड द टीचर्स. वी डू प्रैक्टिकली विद दैम ऑल द न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन. हाउ टू टीच द चिल्ड्रन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी. दीज आर द 4 स्किल्स विच आर नीडेड इन 21st century, राइट, टू कोप अप. एंड दिस चिल्ड्रन दे वर मेड टू रीड द टेक्स्ट बुक थरोली, फर्स्ट थिंग. एंड वी यूज टू मेक द ग्रुप्स, एंड ईच ग्रुप यूज टू प्रेजेंट इट, एंड ईच ग्रुप यूज टू आस्क क्वेश्चंस टू द अदर्स ग्रुप्स. सो दैट इज क्वेश्चनिंग स्किल्स विच इज़ अ मस्ट इन द एजुकेशन सिनेरियो. हियर नॉट ओनली एवरी चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी वर्क ऑन ऑल. एंड इट इज़ एफर्ट्स बाय द चिल्ड्रन हाउ दे टेक इट, द पेरेंट्स कोऑपरेशन हाउ दे कोऑपरेट, देन वी गेट द फ्रूट लाइक दिस. सो दैट इज देयर. इट इज़ फ्रॉम द ऑल साइड्स. इट इज़ द मैनेजमेंट, इट इज़ द टीचर्स, स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स. सो 4 of them वेन दे जॉइन ऑन ए सेम प्लेटफॉर्म विद द सेम विजन एंड मिशन, येस वी कैन अचीव. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव प्रूव्ड इट नाउ. फॉर द पास्ट रिजल्ट्स ऑल्सो वी हैड 100% फॉर 3 ईयर्स. इट वॉज अ हैट्रिक.
And this year, Alhamdulillah, we got the state ranks too. And we hope we will continue with this and get more. And always, every time, new things happen in the Hussain Public School. And we see that we get the best teachers here. Best teachers are again trained in excellence. This is how we move. It is better, best, excellence then. So excellent teachers we have, Alhamdulillah. And the credit goes to the management here. Ilyas sir, Tayyaba ma'am, I'm the director, Khan sir here. All the teachers who are ready to adapt to new things. This is the success. This is always the success of a school depends on planning, execution, then the teachers who are on the field. If the teachers are ready and adaptable and are ready to change, yes, changes will happen and our school is the proof for that. Alhamdulillah. Thank you everyone and may Allah bless everyone. All the students, I say, not only Hussain Public School, it is all the students, all their parents and the teachers and their families always, because this is the base of the society. Society change hona hai, to aapko shuruaat ghar se hoti hai. Har ghar mein agar changes aage, parents isko samjhe ke kya ho raha hai, changes kya aa rahe hain, ab NDP ke tahat aur bhi changes ho rahe hain, to isko adopt hona bahut zaruri hai. Warna kahin na kahin hamare bache piche reh jate hain. तो वो चीज़ हम लोग यहाँ करते हैं. जो भी चीज़ है हमारी प्लानिंग हमेशा 2-3 साल के बाद में क्या होने वाला है वो एज्यूम करके हम आगे बढ़ते हैं. हमारा टारगेट हमेशा पीप इनटू द फ्यूचर बोलते हैं हम लोग, यानी आगे क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हम हमारे बच्चों को, टीचर्स को कैसा तैयार करना है, हमारे पेरेंट्स को कैसा हम अवेयरनेस लाना है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं. जो भी चीज़ हम स्कूल में नहीं करते हैं प्रैक्टिकली हम यहाँ वर्कशॉप पेरेंट्स के लिए करते हैं और उनको समझाते हैं कि हम ये करने वाले हैं, ये ऐसा होता है, इसका नतीजा ऐसा होता है, तब तक पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर पेरेंट्स, दे आर वेरी कोऑपरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह. And management always is for the development of the school. It is not a profit-oriented institution I see here, because the way it is growing with a very affordable fee, I should say, or the target what we have given, we have all type of students here and there are scholarships and all for the students who cannot pay. That also we take care. It's not only for a section of a society, it is for everyone. And Alhamdulillah, all the students, all 3 rank holders, then Naveed is also a very good, brilliant child and he was a competition for you, right? Naveed is in next position. So 10th rank is also from here. Inshallah, we pray that we get the best students and best human beings and best citizen for the world, not for the school or not for Karnataka or India. Sari duniya ke liye ek best insaan ko dena hi education ka purpose hai. Myself, principal of Hussain Public School. I am working here since 22 years. First of all, I would like to congratulate Syed Aminah Shamsunisa. She has got 5th rank in state, Karnataka state. And she is very much punctual student. She has, her attendance is always 100% in every, from 3 years I am observing. So she has got 621 marks out of 625. And apart from this Aminah Shamsunisa, 2 more students have got the state rank. One is Naveed Khan, who has got 8th rank. And one more boy has got 10th rank. His name is Faisal Sherbhai. And this year we got 3 rank in the Karnataka. And among those 3 students, she is the highest, that is 5th rank in the state. I would like to congratulate once again to Aminah Shamsunisa for her future.